आई एम एकता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में वो है ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सो ये पॉन्ड्स का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इतना भी नया नहीं है, 2-3 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसे। ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो इसका प्रमोशन कर चुके हैं पहले से ही, और मैंने इसको अब जाके खरीदा क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि ये एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और कई सारी जो हाई एंड ब्रांड है उनका ये ड्यूप है। सो बेसिकली ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और जेल जैसा टेक्सचर है इसका, जैसा कि लनेज का स्लीपिंग मास्क है बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है। तो चलिए इस प्रोडक्ट की डिटेल में बात करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहे और अच्छी लगे आपको तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे इसका थोड़ा डेमो भी दिखाना है आपको, इसलिए मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस एक लिप बाम लगा रखी है मैंने। एंड सबसे पहले एज यूजुअल हम पैकेजिंग की बात करेंगे। तो गाइज, आपने मेरे चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रखा है तो मैंने पॉन्ड्स की जो लाइट मॉइस्चराइजर है उसका रिव्यू किया था और वो रिव्यू बहुत ज्यादा पसंद आया था आप लोगों को। तो उसी के जैसे डिट्टो पैकेजिंग है इसकी, बस कलर थोड़ा चेंज है, उसका शायद टील ग्रीन था और इसका बिल्कुल स्काई ब्लू है। एंड सेम जैसे उस पर डिटेल्स मेंशन की गई थी वैसे ही इस पर डिटेल्स मेंशन की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, दिस इज फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन। इसमें हेलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई है जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। टब का प्लास्टिक पैकेजिंग है। इसका जो प्राइस है वो है 149 रुपीज, जो कि काफी अफोर्डेबल है, बट अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो एज यूजुअल और अच्छा वाला डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि इस पे जब सेल चल रही थी तब मैंने ये खरीदा था और आप बिलीव नहीं करोगे ये सिर्फ 82 रुपीज का पड़ा, मतलब बिल्कुल 100 रुपए से नीचे का ये पड़ गया था जेल। और इसमें बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी भी दे रखी है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 साल, जो कि बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से, मतलब इनफ है, उससे पहले तो ये टब खत्म हो जाना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सुपर लाइट मॉइस्चराइजर है। इसका जो नेट वेट है वो है 73 ग्राम, जो कि इस प्राइस में काफी अच्छा इन्होंने नेट वेट दिया है। सो गाइज, यहाँ पे पूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मैं कहीं भी कोई पैराबिन का नाम नहीं देख रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, सारे ही इंग्रेडिएंट्स इन लोगों ने मेंशन किए हैं, तो पैराबिन इसमें है नहीं। ये सभी सीजन्स में आपको काम आएगा, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे रेनी सीजन हो, क्योंकि ये एक कुछ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है और बहुत ही अच्छे से आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेट करता है जितना उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, और ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। फिर भी मैं आपको एक बार ये बोलूंगी कि अगर आपकी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कीजिए। सो मैं थोड़ा आपको खोल के दिखा देती हूँ, तो जस्ट लाइक दैट टब ये बिल्कुल सेम है, ऐसी एल्यूमिनियम शीट लगी हुई है यहाँ पे, अब इसको निकालना पड़ेगा एंड देन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी जो स्मेल है गाइस वो बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइट है, सूदिंग है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है ये वाली स्मेल। एंड आपको मैं जरा टेक्सचर दिखा ही देती हूँ इसका, लुक एट द मॉइस्चराइजर सी। सो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, ब्लेंड होने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाता, और जैसा कि ये जेल है ना उसी अच्छी तरीके से ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। मतलब मैंने इस प्रोडक्ट को 2-3 बार ही यूज किया है, बट आई एम इन लव दिस प्रोडक्ट क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है मेरी स्किन पे। एंड मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो अगर आप रिलेट कर पाए तो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है जो डिस्काउंट वाला, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मेंशन कर दूंगी, तो आपको जाके देखना है, अगर खरीदना भी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आपको ये यूज कैसे करना है, तो मैं तो गाइस आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको एक स्लीपिंग मास्क की तरह यूज कीजिए क्योंकि ये जेल है,
तो जेल में ज्यादातर एलोवेरा जेल वगैरह ये सब मैं यूज करना पसंद करती हूँ रात के टाइम पे, ताकि आपकी जो स्किन है वो रिपेयर कर सके। तो आप इसको अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में फॉलो कीजिए, ताकि इसका जो असर है वो आपको और ज्यादा दिखेगा। सो मैं थोड़ा सा आपको डेमो भी दिखाई देती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है और मैं लगाऊंगी तो जब हम इसे फेस पे लगाते हैं ना गाइस, तो बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लगता है एंड कूलिंग इफेक्ट भी देता है साथ में। इतने अच्छे से हाइड्रेट कर रहा है, मतलब इसकी जो फील आ रही है ना मेरी स्किन पे, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी अच्छी फील है। तो ये मेरी तरफ से ना एक मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, कि आपको एक बार इसे यूज करके देखना ही चाहिए, और आप बाद में आके मुझको थैंक यू बोलोगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसको लगाने के बाद गाइस, जो मेरा फेस है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लगने लगता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगने लगता है, और बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है ये आपके फेस को। तो विंटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है ये। ओवरऑल की बात करूँ तो गाइस, ये प्रोडक्ट ना मेरे स्किन केयर रूटीन में शामिल हो चुका है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। इस प्रोडक्ट की बस एक ही दिक्कत है थोड़ी, क्योंकि ये एक टब में है प्रोडक्ट, और इसमें जो एल्यूमिनियम शीट लगी हुई थी तो उस पर थोड़ा प्रोडक्ट लगा हुआ रहता है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है और अपनी फिंगर्स को डिप करना पड़ता है बार बार। तो हाइजीन की प्रॉब्लम जिनको है तो उनको शायद अच्छा ना लगे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है तो आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे इस प्रोडक्ट के साथ। तो मुझे जान के थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे स्किन पे कैसा वर्क कर रहा है ये। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो आपसे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।